भाभी को अहमदाबाद में उनकी वीना मासी मिल गई। उन्होंने सारी औरतों को फोर्स किया और कहा कि आज पहला नौरता है तो नौरता मना के जाओ, गरबा खेल के जाओ। तो वो लोग वहाँ पे रुक गए हैं। और जेठापरा जरा दया भाभी जी को फोन लगाओ। नहीं छोटी, वो ऐसा फोन से मानने वाली नहीं है। वो तो मैं खुद अहमदाबाद जाऊँ उसको पकड़ के लेके आऊँ तो है। काम करते हम लोग वीणा मासी के घर पे जाते हैं, वो लोग वहीं होंगे। माँ नहीं मिले तो? अरे तो वहाँ से पता चल जाएगा वो लोग कहाँ है। भाई ये गेट और सिक्योरिटी भी, अभी कैसा जाएंगे अंदर? इधर लिखा ना गेस्ट, हम गेस्ट है ना अहमदाबाद के। अरे ऐसा नहीं चलता, एक मिनट सुंदर, एक बार लगाता हूँ फोन वापस, अगर लग जाए तो। रिंग बज रही है। हाँ उठा, हेलो हेलो, हाँ सुंदर, हेलो हेलो, कौन? अरे अरे जेठालाल बोल रहा हूँ। कौन बोल रहे हो आप? जेठालाल। हेलो कौन बोल रहे हो आप? जेठालाल बोल रहे, सुनना जेठालाल। अरे बोलिए माय डियर जीजाजी। सुना? हाँ। क्या काम है आपको? अरे क्या काम है, क्या क्या मतलब है? हम लोग वो इधर आ गए। इधर? अरे पर मैं अभी मुंबई में नहीं हूँ, अभी तो मैं अहमदाबाद में हूँ जीजाजी। अरे मुंबई नहीं, अहमदाबाद से बात कर रहा हूँ मैं। अरे अहमदाबाद में हो आप? कहाँ हो आप? ये इधर हो, तुम्हारा क्लब है ना उसका बाहर खड़े हम लोग गेट के ऊपर। गेट के बाहर खड़े हो? पर मेरे पास 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 नहीं है। तो पास नहीं तो हमको आ लेने के लिए इधर बाहर। अच्छा अच्छा चलो, मैं आपको लेने के लिए बाहर आ रहा हूँ। कैरी है पूछो। अरे यार मेरी रोशन है, रोशन का पूछो ना जरा। सब साथ में ही है ना भाई, किधर जाएंगे सब? नहीं कंफर्म करो कैरी है। बबीता जी भी है सब। हाँ तू जल्दी बाहर आ, हम लोग इधर खड़े हैं। हम लोग मतलब आप लोग कितने लोग हो जीजा जी? हम लोग चार लोग हैं, चार पांच लेके बाहर आ जा। हाँ बस तो आप वही रुको, मैं आता हूँ अभी। हाँ जल्दी आ जा। हम लोग अहमदाबाद के गेस्ट है ना, इसके लिए लिखा है। आ रहा है भाई, आ रहा है, शांति रखो। को पीछे भेजा था। जाने दो भाई। मुझे बाहर जाना है भाई, निकलने दो आप जरा। सॉरी सॉरी सॉरी। आया आया सुंदर, आया आया। ये भाई क्या तरीका है, ये क्यों दया को इधर रोक लिया? कोई अक्कल बकल है कि नहीं तेरे को? अरे यार इतनी बार फोन कर रहा हूँ मैं, तेरे को फोन क्यों नहीं उठा रहा है तो? अरे जीजा जी नॉनसेंस, क्या सुनूं मैं? अरे जीजा जी शांत हो जाइए, अंदर सब लोग आपका इंतजार करें। चलो चलो फटाफट अंदर चलते हैं। चलो 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 अभी, चलो जल्दी चलो। बबीता फोन कर देती। हेलो रे बाकी तरफ से मैं बात करता हूं बस। ए माय डियर जीजा जी चलिए खेलते हैं। हेलो हेलो हेलो, हिंट आज कर।
कर रही है। इधर आओ भाई, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। ये बाहर का आदमी बबीता जी के साथ नाच रहा है, बाहर निकालो। कौन ये? ए, क्या हुआ? चलो बाहर निकलो। अरे अरे मुझे क्यों मुझे किधर बाहर निकल रहे हो तुम? देखो मैं उनके साथ में हूँ। पास है तुम्हारे पास? वो बबीता मेरी पत्नी है। जेठालाल तुम इधर क्या कर रहे हो यार? अयो कौन रे? क्या तू केक गिर जाएगी? क्या करे? चल चल। क्यों टप्पू सेना, मजा आ गया ना? अरे आज तो मजा आई है बच्चों, लेकिन कल जब सारे के सारे गोकुल धाम में अहमदाबाद से वापस आ जाएंगे तब सोचो कितना मजा आएगा। बिल्कुल सही बात है। टप्पू गोगी चलो सोने चलते हैं। आंटी मैं भी आऊँ आपके घर सोने। आंटी मैं भी आऊँ। आंटी मैं भी आऊँ। एक काम करते सब मेरे घर चलो, मजा करेंगे। हाँ बेटा आओ सब मिलकर आज बहुत मजा करेंगे। बहुत थक गए होंगे तुम लोग तो आज आंटी तुम्हें जूस पिलाएगी। हाँ फ्रेश बना के पिलाऊंगी। आंटी करेले का नहीं? चलो आओ चलो आओ चलो चलो। मेहता साहब हाँ वो जेठालाल का फोन आया था कि नहीं, कब आ रहे वो लोग? हाँ हाँ मेरी बात हो गई जेठालाल से फोन पे, वो आज ही रात लेट नाइट फ्लाइट से वापस आ रहे हैं सब लोग। चलो आओ बच्चों चलो। आंटी का फ्रिज मत खोलना। अरे अय्यर भाई आप चुप खड़े हैं, लगता है आपको मजा नहीं आया। नहीं नहीं दया भाभी मेरे को बहुत मजा आया। क्या बात है, क्या डांडे है इधर, वाह। तो अच्छा चलो एक फिर से राउंड कर लेते हैं। बस अभी बस तो थके नहीं है, एक राउंड कर लेते हैं।
तो क्या बारी बारी सबको पूछ रही है, ये गुजरात टूरिज्म डिपार्टमेंट का तेरे को रिपोर्ट देने का है? अरे नहीं नहीं, ये तो हमारे मेहमान है तो जरा पूछ रही थी। अच्छा मैं क्या कह रही हूँ टप्पू के पापा? बोला अभी अहमदाबाद आ ही गए हैं और नवरात्रि के सिर्फ 8 ही दिन बाकी है, तो क्यों ना पूरी नवरात्रि अहमदाबाद में ही मनाई जाए। बहुत बढ़िया आइडिया है, रुक जाते हैं। देखा देखा, मैं बोलता था ना उधर, हाँ इसका पहले का प्लान था इधर रुकने का, हम लोग नहीं आते ना तो कंफर्म इधर रुक जाते थे, 9 के 9 दिन नवरात्रि मनाने। ए माय डियर जीजा जी, आप सब लोग रुक जाओ ना। क्या रुक जाइए, और टप्पू वो बच्चे लोग सब अकेले उधर। हाँ तो बच्चों को भी यहाँ बुला लो। हाँ सबको बुला लीजिए ना। अरे मैं तो कहता हूँ कि दशहरा के दिन रावण को जला के जलेबी फफड़ा खाने के बाद ही जाना। टप्पू गोली गोगी सोनू सबको बुला लो, मजा आएगा। हाँ क्या मजा आएगा, तू भी क्या रावण की बातों में आ गई क्या? भाई एक काम कर, तू सबसे पहले फ्लाइट में हम सबके टिकट बुक करा, चल। हाँ हाँ सुंदर भाई प्लीज। तो बेना जाना ही है पक्का? अरे बेना क्या फैला, बेना को क्या पूछ रहा है, ये बोल रहा ना जीजाजी कराना बुक। ये नहीं मानेंगे माय डियर जिद्दी जीजाजी। अच्छा बोलो जीजाजी कितनी टिकट करवानी है? ये गिन लेना भाई, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। जेठालाल तुमने मेरे को नहीं गिना। मुझे लगा आपको अहमदाबाद के नवरात्रि में बहुत मजा आया, तो आप इधर रुक रहे। नहीं नहीं नहीं, मैं इधर रुक कर क्या करूंगा, नहीं मैं भी चलूंगा। आ तो भाई अय्यर भाई का गिन के 10 हुए। बेना बेचारे सो गए होंगे, अभी उठा के टिकट बुक कराऊंगा, बोलो उसकी जगह रुक गए होते तो। हेलो उदय भाई, हाँ मैं सुंदर बोल रहा हूँ। हाँ उदय भाई, मुंबई जाने की फ्लाइट की 10 टिकटें चाहिए। पहली फ्लाइट कब मिलेगी? क्या क्या बात कर रहे हो? अच्छा अच्छा ओके ओके, चलो कोई बात नहीं, सॉरी सॉरी उदय भाई, माफ कर देना। ओके ओके चलो। क्या हुआ? 4-5 दिन तक एक भी फ्लाइट नहीं मिलेगी, सब बुक है। ओ नो, अरे बाप रे, लगता है नवरात्रि के हिसाब से सब फ्लाइट फुल है। तो फिर रेलवे की तो बात ही मत करना, वो लोग तो फोन भी नहीं उठाएंगे। हाँ तो अभी बोलो, अब यहाँ पर ही नवरात्रि मनानी पड़ेगी? नहीं नहीं भाई, रोक रोक शांति रख जरा। एक काम करते हैं, 2 प्राइवेट टैक्सी कर लेते हैं, उसमें 8 लोग आ जाएंगे, निकल जाएंगे। तो फिर हम दोनों? ये किसने बोला 8 में हम दोनों नहीं है? हम लोग 10 है नहीं? तो एक काम करते हैं, हम लोग 2 8-8 सीटर कर लेते हैं। लगा भाई तेरे एजेंट को फोन लगा। अरे नहीं नहीं जीजा जी, वो सिर्फ फ्लाइट की टिकट ही करता है। ओ जेठापुरा अहमदाबाद में एक दोस्त है मेरा शेरा, उसकी ट्रैवल कंपनी में, उसको फोन लगाता हूँ। लगा लगा। एस शेरा अहमदाबाद। हाँ हाँ शेरा, सो रहा था? अच्छा जाग रहा था, क्यों नींद नहीं आ रही? अरे भाई गाड़ी की बात कर ना। ओ शेरा यार, मुंबई जाने के लिए हमको ना 8 सीटर गाड़ी चाहिए, वो मिल जाएगी? अच्छा ओहो, ओ यार तो और भी बढ़िया गल है यार, ओ बल्ले बल्ले, कितनी देर में पहुंचेगा? अच्छा 1 घंटे, मैं तेनों एड्रेस SMS कर देना, फटाफट पहुंच जा। चंगा सत श्री अकाल, मिलने आ। हो गई दो गाड़ी। ओए जेठापुरा, 2 नहीं 1 गाड़ी आ रही है 15 सीटर। ओहो ये तो और भी अच्छा है, ले बोलो है। चलो चलो दया सामान पैक पॉक करो, 1 घंटे में हम लोग मुंबई रवाना हो रहे। ओफो गड्डी जांदी है छलांगा मार दी, मैनू याद आए मेरे यार दी। इस जगह में भी हम लोग का मन लगा
ट्रेडिशनल गुजराती फूड यू फाइंड हियर, यू विल हैव डिनर हियर, मिलेगा। बैठो 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 ना बबी, अच्छा लग रहा है। चलो भाई इधर इधर, बहुत अच्छा खाना है बबी। ये इनको अपना क्या बोलते हैं, मिनरल वाटर वो देना। गरी ये पानी मत पीना, ओ दूसरा पानी, मतलब फिर बाद रास्ते में पेट खराब हो जाएगा। तो रोटी ले आ यार। नहीं नहीं आप तो ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं। मजा आ गया नहीं खाने का? मैं एक बात बताऊँ छोटे, बड़े बड़े होटल में ऐसा टेस्टी खाना नहीं होता है। मुझे खाने का तो मजा ही कुछ। हेलो चलो बच्चों, और टेस्ट एकदम स्वाद एकदम फर्स्ट क्लास। अरे डप्पू के पापा है, केरी बेन कहाँ है? अरे लेकिन वो तो तुम लेडीज लोग के साथ थी ना? हाँ थी, पर अब नहीं है। कहाँ गई? कहाँ चली गई? कहाँ चली गई केरी? केरी बेन, ओ केरी बेन, अरे आपके पास तो थे। केरी, ओ केरी बेन, अरे भाई, ओ हमारे साथ एक फॉरेनर बैठे थे, उसको देखा? हाँ इधर बैठे थे वो ना? नहीं नहीं वो, हाँ वो भी फॉरेनर ही दिखता है, लेकिन वो नहीं, उधर बैठे थे ना उनका। उधर बैठे थे तभी देखा था मैंने? नहीं नहीं अभी नहीं, अभी देखा नहीं, उसके बाद नहीं देखा मैंने। तो फिर क्या फायदा भाई? अरे केरी बेन कहाँ गए थे आप? वॉशरूम गई थी। टप्पू के पापा आ गए केरी बेन। अरे आला मिल गया भाई, सॉरी हाँ थैंक यू। अच्छा आ गए केरी, कहाँ चले गए थे तुम? वो मिल गए ना। अच्छा अच्छा चलो 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 चलिए चलो आ गए, बैठो बैठो। हाँ बोलो भाई। जेठालाल तुमने बताया नहीं अभी तक कि तुम लोग कौन सी फ्लाइट से आ रहे हो। हम लोग स्टीमर से आ रहे हैं, स्टीमर से। ये कौन सी फ्लाइट है? स्टीमर बोट, बोट होता है ना। तो अभी क्या, पहले भर्ती थी, अभी वो ओट आ गया है, तो पानी कम हो गया थोड़ा, तो पार्क करके खड़े है स्टीमर, तो अभी थोड़ा भर्ती आएगा फिर निकलेंगे। जेठालाल क्या बोल रहे हो तुम? अरे भाई हम लोग बस से आ रहे है। बस से? अरे जेठालाल पहले बोल रहे हो फ्लाइट से आ रहे हो, बाद में बोलते हो बोट से आ रहे हो, अभी बोल रहे हो बस से आ रहे हो। हाँ वो गलती हो गई, अभी बस से क्यों आ रहे है वो उधर आके बताता हूँ, ठीक है? भैरो से भैरो, चलो 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 चलो। ओहो हेलो। हाँ जेठालाल तुम फाइनली बस से ही आ रहे हो ना? हाँ। तो कौन से ट्रेवल्स की बस है ये? अरे भाई ये वो प्राइवेट बस है छोटी का दोस्त की। हाँ तो देखो ड्राइवर को बोलना कि हाईवे पर गाड़ी जरा धीमी चलाए, और हाँ ओवरटेक बिल्कुल ना करे। और ड्राइवर के बाजू में कौन बैठा है? छोटी। क्यों? हाँ तो छोटी को बोलना कि वो बिल्कुल ना सोए, बीच बीच में ड्राइवर से बातचीत करते रहे ताकि ड्राइवर ना सो जाए। अभी तू सो जा ताकि हम घर पहुंच सके भाई। अरे जेठा ब्रा चलो यार देर हो जाएगी। तेरा दोस्त देखना भाई। कौन? ये भीड़े। अरे भीड़ू भी ना सेक्रेटरी बस। अरे मेरे को ही उतरना पड़ेगा, आप आओ फटाफट। चल यार दो दरवाजे लगाने सी ना। पाजी दो ही है, एक उधर और एक इधर। अरे चल चल फटाफट चल यार देर हो रही है वैसे। चल चलो भाई चलो, जगारा थाड़ नहीं बात। चल 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 चल, मेरे पास ठीक है, अपने पास देख ला बस। चल 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 चल, अपने पास देखी मेरी साइड ठीक है क्या? हेडलाइट चालू करो। चलो जी बोलो बे बोल के।
ए भाई इधर आओ, यहाँ जो वो सफेद बस खड़ी थी पता है, और वो ये सारे लोग खाना खा रहे थे, वो सब कहाँ चले गए? वो सब तो गए। क्या मुझे छोड़ के? अरे ऐसे कैसे जा सकते हैं मुझे छोड़ के? अब मैं क्या करूँ? चिंता मत करो, कई साल पहले मेरे दोस्त लोग भी मुझे यहाँ इसी जगह छोड़ के चले गए थे, तब से मैं यहाँ वेटर हूँ। आप भी आ जाइए, स्टाफ कम है। वही तो कर रहा था। पत्रकार पोपटलाल को बीच रास्ते में छोड़ के चले गए, इनको तो मैं बाद में देख लूंगा, लेकिन फिलहाल ये सोचना पड़ेगा कि मैं मुंबई कैसे पहुंचूं। जी हाँ, ये दरवाजा तो खुल गया, लेकिन हमारे दोस्त पोपटलाल की किस्मत का दरवाजा ऐसा बंद हुआ कि ढाबे पे अटक गए। अब इश्क चीज ही ऐसी है, अब हमारे मित्र पत्रकार पोपटलाल कैरी के प्यार में कुछ इस तरह से पागल हैं कि अब न जाने कहाँ कहाँ अटकेंगे और लटकेंगे। ये देखने वाली चीज है। देखने वाली बात तो ये भी है कि जो चनिया चोली अहमदाबाद से गोकुलधाम की महिलाओं ने खरीदी है, उसे पहन के नवरात्रि की कैसी धूम होगी, और जब पोपटलाल लौट के आएंगे तो कैसे गोकुलधाम वाले उनका स्वागत करेंगे या वो उनसे क्या बात करेंगे। ये तमाम हंगामे देखने वाले होंगे, नवरात्रि की धूम और हंगामा और हास्य सब तारक मेहता का उल्टा चश्मा में। हेलो दोस्तों, अगर आपको तारक मेहता का उल्टा चश्मा के अपडेट्स सबसे पहले चाहिए तो जाइए हमारे यूट्यूब चैनल पर और सब्सक्राइब कीजिए।